रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस पार्टी के ज्यादा पार्षद होने के बावजूद बैकुंठपुर नगर पालिका में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बता दें आपको, क्रॉस वोटिंग का दरअसल ये मामला है। क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस पार्टी को यहां हार का सामना करना पड़ा। मोहन मरकाम ने क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों को पार्टी से निकाल दिया है। ज्यादा पार्षद होने के बावजूद कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा। बैकुंठपुर नगर पालिका में बीजेपी की नविता शिवहरे ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को बीजेपी की नविता शिवहरे ने हरा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों को अब पार्टी से निकाला है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मोहन, बड़े ताजुब की बात है कि अधिक पार्षदों की संख्या होने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की है मोहन मरकाम ने? बिल्कुल, देखिए, जो 15 निकाय में चुनाव हुए थे उसमें दो ही स्थान ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को जीतने में थोड़ी मुश्किल आ सकती थी, वहां पेच फंसा हुआ था। ये स्थान थे खैरागढ़ और जामुल, लेकिन उससे अलग ऐसे स्थान बैकुंठपुर नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव था आज, जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था। उसके 20 में से 11 पार्षद जीत के आए थे, दो निर्दलीय थे, तो आसानी से यहाँ पर संभावना थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन जैसे ही अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो बताया ये जा रहा है कि दो लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से 7 पार्षद होने के बावजूद जो है स्थिति ऐसी रही कि एक निर्दलीय पार्षद का भी बीजेपी को समर्थन मिला और इस तरीके से उनके पास 10 की संख्या आ गई। तो 10-10 दोनों साइड से जो है वो वोट मिले, कांग्रेस के उम्मीदवार को भी 10 और बीजेपी के भी उम्मीदवार को 10। ऐसे में टॉस और पर्ची निकालकर जो फैसला लिया गया उसमें बीजेपी जीतने में सफल रही। लेकिन ये बराबरी की स्थिति इसलिए हो पाई क्योंकि कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोटिंग हुई और इसी वजह से जो पार्टी है वो खासी वहाँ के पार्षदों से नाराज है और दो लोगों के नाम जो सामने आए हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की हो सकती है उन पर कार्रवाई की गई है और दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया है। मोहन मरकाम का ये मानना है कि जो पार्टी के उम्मीदवार का चयन किया गया था उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी और उस पर सब लोग सहमत थे, उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग हुई है तो ऐसा मामला गंभीर है और इसीलिए दो पार्षदों को पार्टी ने निकालने के आदेश दे दिए हैं। तो इन दोनों पर कार्रवाई की गाज गिरी है और एक ऐसा निकाय जो कि कांग्रेस के का जीता जुटाया था वो उनके हाथ से निकल गया और वहाँ पर बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है। तो 15 निकाय जहाँ पर श्योर शॉट जो है करीब 12 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की संभावना थी उसमें से कुछ संभावना धूमिल हुई है और एक जगह बीजेपी अपना अब अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो गई है। 15 निकायों में से एक खाता जो खुला है, पहला खाता, वो बीजेपी का है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मोहन, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो अधिक संख्या होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग के चलते महज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी के पार्षद ने यहां जीत दर्ज कर ली है। कोरिया जिले में नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस को बहुमत होने के बाद भी अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। यहां बीजेपी की नविता शिवहरे अध्यक्ष घोषित की गई हैं और आशीष यादव उपाध्यक्ष घोषित किए गए। इसको लेकर बैकुंठपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने गुलाल खेलकर अपनी खुशी जाहिर की। मुझे जो ये जीत मिली है अध्यक्ष पद के लिए, मैं तो पहले सोची नहीं थी, लेकिन लोगों का सहयोग, इतना भारी प्यार और इसने, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी को। और मेरे पति जो हैं इसमें सब मेरे को पूरा सहयोग करेंगे और मैं नगर के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करूंगा। कांग्रेस के